हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, रिलायंस पावर के ऊपर एक बड़ी न्यूज़ आई है। रिलायंस पावर का शेयर लगातार भाग रहा है क्योंकि कंपनी होने जा रही है टर्न अराउंड, मतलब अभी कंपनी के अच्छे दिन आ सकते हैं और उसी के हिसाब से एक के बाद एक गुड न्यूज़ आ रही है। रिलायंस पावर जो कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, जिसका आज का रेट था 40 रुपीज़ 5 पैसा और 52 वीक हाई भी था 40 रुपीज़ 5 पैसा। कंपनी ने आज अपना 52 वीक हाई जो है अचीव कर लिया है और ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक में। कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई थी जिसमें कंपनी ने फंड रेजिंग को अप्रूवल दे दिया है। 1525 करोड़ रुपीज़ कंपनी फंड रेज करने वाली है प्रिफरेंशियल शेयर्स अलॉट कर, जो कि उसका प्राइस रखा गया है 33 रुपीज़, और इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोगों ने, जिसके कारण शेयर में तेज़ी बनी हुई है। उसके अलावा 2 दिन पहले ही कंपनी ने बताया था कि कंपनी टोटली डेट फ्री हो चुकी है, तो आने वाले क्वार्टर्स भी कंपनी के शानदार होंगे और कंपनी जो एक्सपांशन करने वाली है नए प्रोजेक्ट्स में, उसके लिए फंड रेज करने के लिए कंपनी ये प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट कर रही है 1525 करोड़ रुपीज़ का, जिसके कारण शेयर में आने वाले दिनों में और भी तेज़ी बढ़ सकती है। रिलायंस पावर को आप स्टडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हो, जो कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।